नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लगता है बीजेपी के ग्रह नक्षत्र आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, फिर उद्योगपति राहुल बजाज ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया। कुछ ही दिन पहले बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई और अब पार्टी की वरिष्ठ महिला नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने चौंकाने वाला खुलासा कर विरोधियों को मोदी सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया। दरअसल कुछ ही दिन पहले बिजनेसमैन और बजाज समूह के चेयरमैन राहुल बजाज ने एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह से कहा था, हमारे उद्योगपति मित्रों में से कोई भी नहीं बोलेगा, पर मैं खुलकर बोलूंगा, एक माहौल बनाया जाना है। जब यूपीए 2 सत्ता में थी तो हम किसी भी तरह की आलोचना कर सकते थे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें ये विश्वास नहीं है कि अगर हम आपकी खुलकर आलोचना करेंगे तो आप इसका स्वागत करेंगे। राहुल बजाज ने मोदी सरकार पर डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया तो कुछ ही दिन बाद पूर्व लोकसभा स्पीकर और मध्य प्रदेश के इंदौर से 8 बार सांसद रही सुमित्रा महाजन ने कह दिया कि बीजेपी सरकार से सवाल पूछने से वो डरती थी। खुद से कोई मुद्दा उठाने की बजाय वो कांग्रेस नेताओं का सहारा लेती थी। सुमित्रा महाजन ने खास तौर पर मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली बीजेपी सत्ता में थी तब अहम मुद्दों को लेकर मैं चुप रहती थी, क्योंकि ये मेरी ही पार्टी की सरकार थी। मुझे लगता था कि इंदौर की जनता के हित के लिए कुछ मुद्दों को उठाना चाहिए, तो मैं कांग्रेस के नेताओं का सहारा लेती थी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की मौजूदगी में सुमित्रा महाजन ने राज खोलते हुए कहा, मेरी सरकार के खिलाफ मैं नहीं बोल सकती थी, कोई बात उठाने के लिए मैं जीतू पटवारी और तुलसी सिलावट को धीरे से कहती थी कि तुम करो कुछ। जीतू पटवारी में मेरा शिष्य बनने के सभी गुण हैं, सब इंदौर का भला चाहते हैं, पार्टी अपनी जगह है। ये पूरा मामला रविवार का है जब शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने अपने घर में एक संवाद का कार्यक्रम रखा था, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन और जीतू पटवारी के साथ मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद थे। सुमित्रा महाजन ने बातों बातों में ये राज खोला कि हम सबका काम विकास करना है। सुमित्रा महाजन ने जैसे ही ये बयान दिया कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने तंज मारते हुए कहा, राहुल बजाज ने सिर्फ भारत के लिए आवाज नहीं उठाई बल्कि बीजेपी के कई पीड़ित नेताओं की भी आवाज बने। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने ट्वीट किया, अगर लोग सवाल नहीं पूछते हैं तो लोकतंत्र का उद्देश्य नाकाम हो जाता है। सुमित्रा महाजन कह रही हैं कि वो बीजेपी सरकार की वजह से जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठा सकी, उन्हें कांग्रेस नेताओं का सहारा लेना पड़ा, ये सरकार के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। कांग्रेस नेता राधिका खेरा ने तंज मारा, राहुल बजाज जी का धन्यवाद, लोगों को सच बोलने का हौसला दे दिया। अपने ही नेताओं की बयानबाजी से बीजेपी मुश्किल में पड़ती जा रही है। इससे पहले कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने महाराष्ट्र में हाल के दिनों में हुई राजनीति पर चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह अजीत पवार को मिलाकर राज्य में सरकार बनाई थी उसके पीछे 40,000 करोड़ रुपए थे। हेगड़े के इस बयान के बाद पार्टी को काफी फजीहत का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पार्टी ने हेगड़े को फटकार लगाने के साथ साथ ऐसे बयानों से बचने की नसीहत भी दी थी।